आपको सीधा सुनवाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। शरीर पर छोटे छोटे घाव जैसे उभरे हुए निशान दिखाई देने लगते हैं। दूध देने वाले पशुओं का दूध या तो बंद हो जाता है या कम हो जाता है, इसलिए इस रोग से अपने पशुओं को बचाने के लिए तुरंत उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह बीमारी पशुओं से पशुओं में फैलती है। यह रोग मच्छर काटने वाली मक्खी इत्यादि के द्वारा भी एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है, लेकिन यह बीमारी पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलती। इसलिए इस तरह का डर मन में ना आए। पशुओं के संक्रमित होने के बाद यह वायरस तेजी से फैलता है, इसलिए बेहतर है कि कुछ सावधानियां रखकर पशुओं को संक्रमित होने से बचाया जाए। जो सावधानी है उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी एक पशु में लक्षण दिखने पर तुरंत उसे बाकी पशुओं से अलग कर दें और पशुओं के डॉक्टर से संपर्क करें। पशुओं को मक्खी, मच्छर, जू आदि परजीवियों से बचाकर रखें। संक्रमित इलाके में कीटाणु नाशक का छिड़काव करें। लंपी वायरस से मृत पशुओं के शव को खुले में ना छोड़ें, बल्कि गहरा गड्ढा करके उसमें दफना दें। सरकार की तरफ से फ्री में टीका लगाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण इस रोग की रोकथाम कर सकता है, इसलिए टीकाकरण कराएं। हमारे पशु चिकित्सक और बाकी अमला उपचार और रोग के संबंध में आपको सहयोग करने के लिए और परामर्श देने के लिए उपलब्ध है। सरकार आपके साथ खड़ी है, लेकिन चिंता तो हम सबको मिलकर करनी है। जैसे COVID-19 से इंसानों के बचाव के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही अपने गोवंश के लिए, बाकी पशुओं को बचाने के लिए हमको यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आइए पूरी तरह से लंपी वायरस को हराने के लिए हम कमर कस लें और जुट जाएं। लंबी वायरस पर सीएम शिवराज का यह संदेश देखने को मिला। सीएम शिवराज ने इस बात के लोगों से अपील की कि सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन हर किसी को जागरूक होना पड़ेगा। संक्रमित अगर कोई पशु है तो उन्हें फिर जल्द से जल्द दिखाएं पशु चिकित्सकों को, और फिर बाकी पशुओं से उन्हें अलग कर दे। ऐसी जगह जहां पर मच्छर हो, मक्खी हो, वहां पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करे, और अगर लंपी वायरस की वजह से किसी पशु की दुखद मृत्यु होती है तो गहरा गड्ढा खोदकर ही उसे वहां पर दफनाए। ऐसे बिल्कुल सार्वजनिक स्थान पर ना छोड़े जिसकी वजह से यह वायरस और तेजी से फैल सकता है। मुख्यमंत्री ने इस बात के लोगों से अपील की है कि जैसे हमने COVID-19 को हराया, वैसे ही हमें मिलकर आगे आना होगा, तभी हम अपने पशुओं को बचा सकेंगे और लंपी वायरस का जो खतरा है ये पूरी तरीके से खत्म हो सकेगा।